हेलो एवरीवन, आज फिर से वेलकम है आपका इस कंप्यूटर क्लास में। आज भी हम स्पेल चेक के तरीके ही बताएंगे, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस किस मेथड से हम स्पेलिंग एरर्स को रिमूव कर सकते हैं और किन किन मेथड्स को यूज़ करके हम अपने स्पेल एंड ग्रामर चेक के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को क्लीन और फ्रेश बना सकते हैं। तो इस पे ही बात करेंगे फिर से। तो हमने विन वर्ड रन डायलॉग में लिख के खोला और यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट लिया जो हमारे पास पहले से सेव था, या आप कुछ लिख लें। यहाँ पर देखें कौन कौन से स्पेलिंग एरर्स आ रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे ही आपको स्पेलिंग एरर कच से करके स्क्रीन रीडर बोलेगा तो वो आपको लग रहा है स्पेलिंग एरर कच, जैसे कच से बोला या फिर वो कह रहा है स्पेलिंग एरर। तो पहला मेथड ये है कि आप यहाँ एप्लीकेशन की करें तो आपका सही सजेशन अगर होगा उसके पास तो वो आपको दिखा देगा, वहीं आपका कर्स हो जाएगा। वहाँ पे एंटर कर दें, स्पेलिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ये ठीक करने का फर्स्ट मेथड है। दूसरा सेकेंड मेथड ये अभी क्या बताऊँ, पहले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ही बताती हूँ कि शिफ्ट F10 से आप, अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़र नहीं है आप, तो शिफ्ट F10 से आप एप्लीकेशन की में जाएं, एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप फिर से जैसे ही स्पेलिंग एरर वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये शिफ्ट F10 किया और वहाँ पे सही सजेशन दिखाएगा, वहीं एंटर कर देंगे, ये आपका स्पेलिंग चेक हो जाएगा। एक एक स्पेलिंग जहाँ दिखाए गलत तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं कर लेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। दूसरा वही है रेफरेंस टैब का आपका, कि आप स्पेल एंड ग्रामर चेक में जाएं या तो रेफरेंस टैब में जाके चले जाएं डायरेक्ट, या F7 से जाएं। रेफरेंस टैब में कैसे जाएंगे, रिवन की के थ्रू नेविगेशन कीज़ को यूज़ करके। फिर वहाँ पर जाने के बाद रेफरेंस टैब में वहाँ पर आप या F7 प्रेस करें डायरेक्ट वहीं जाएंगे तो क्या दिखाएगा पहले, Easy Computer Info View Tap to Activate। सॉरी, तो जैसे F7 प्रेस किया आपने तो F7 प्रेस करने के बाद डायरेक्टली आपको वो स्पेलिंग बताएगा, नॉट इन डिक्शनरी जहाँ स्पेलिंग एरर था। अब टैप करेंगे तो क्या मिलेगा, सजेशन। तो सजेशन, सही सजेशन पे आपका कर्सर जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप और सजेशन देखना चाहें तो अप डाउन एरो से देख सकते हैं। टैब से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऐड टू डिक्शनरी है ना, चेंज ऑल, इग्नोर ऑल। तो आपको या तो इग्नोर करना है या फिर चेंज करना है, तो चेंज बटन पे एंटर या चेंज ऑल बटन पे एंटर। फिर दूसरा स्पेलिंग एरर अगर कोई है डॉक्यूमेंट में तो वो दिखाएगा, फिर वो बोलेगा, फिर टैप करेंगे सजेशन ले लें, सही सजेशन भी कर्सर जाएगा, नहीं तो अप डाउन एरो से सजेशन ले लें। टैब से फिर जाके चेंज बटन पे आप या चेंज ऑल पे एंटर कर दें, एक्ट टू डिक्शनरी या बाकी जो और लैंग्वेज ये वगैरह वो छोड़ दें। इग्नोर करना है तो इग्नोर बटन या इग्नोर ऑल पे एंटर कर दें। फिर जैसे ही करेंगे आप चेंज पे एंटर या इग्नोर पे, फिर तीसरा वर्ड दिखाएगा बोलेगा, फिर टैब से सजेशन लेंगे, फिर टैब से फिर चेंज पे एंटर करेंगे या इग्नोर पे। तो यही इस तरीके से तब तक दिखाता रहेगा जब तक आपके स्पेलिंग एरर सारे निकल नहीं जाते और जितने भी स्पेलिंग एरर हैं वो रिमूव नहीं हो जाते। जैसे ही लास्ट वर्ड आएगा, लास्ट वर्ड पे आपने फिर टैब से सजेशन लिया, फिर टैब से चेंज या टैब से आपने क्या किया, इग्नोर पे एंटर किया, तो वैसे ही लास्ट वर्ड के बाद बोलेगा स्पेल एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट, क्या स्पेल एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट, ओके बटन। तो ओके बटन पे एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्पेल एंड ग्रामर चेक कंप्लीट। तो फिर इसको कंट्रोल एस से सेव कर दें। तो फर्स्ट मेथड क्या था, अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएं, यानी एक्सटर्नल कीबोर्ड की एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 वहीं पे करें जहाँ पे आपका स्पेलिंग एरर बता रहा है, उसी के फर्स्ट लेटर पे अपना कर्सर रख के एप्लीकेशन या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की करें, वहाँ पे सजेशन दिखाएगा, तुरंत से आपका सजेशन पे कर्सर आएगा। और नहीं तो अप डाउन एरो से सजेशन ले लें या फिर इग्नोर का भी ऑप्शन मिलेगा वहाँ, तो इग्नोर पे एंटर कर दें या सजेशन पे एंटर कर दें। तो ये दो मेथड्स थे, दोनों के बाद कंट्रोल एस ज़रूर करें।
ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्यूटोरियल, इसको समझिए। स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए है। हमारी मुलाकात फिर से नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।